शहर में बढ़ते मामलों के चलते आज पालक मंत्री नितिन राउत की उपस्थिति में आढ़ावा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत पूना के तर्ज पर शहर में कोरोना नियमों की सख्ती की जाएगी। साथ ही 31 जनवरी तक पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान नितिन राउत द्वारा दी गई। इस दौरान पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महापौर दयाशंकर तिवारी, मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी, विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारी वर्मा, जिलाधिकारी विमला आर उपस्थित थे। अभी तीसरी लहर भी भारत में आ चुकी है और उससे हमारा प्रदेश भी झुलस चुका है उसमें, और नागपुर शहर भी और जिला भी हम उसमें आ रहा है। ऐसे वक्त हमारे जिले के सभी नागरिक भाइयों बहनों से मेरी विनंती रहेगी कि अपनी जान बचेगी तो अपन और ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे, तो इसलिए पहले हमने हमारी जान बचाने की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यह जो ओमाइक्रॉन यहाँ पर आया हुआ है, यह ओमाइक्रॉन जो है यह बहुत स्पीडीली बढ़ रहा है, उसकी बढ़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से हम लोगों ने उसको रोक लगाने के कुछ निकष बनाए हैं। उस निकष के अनुसार हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने देखा हो कि इस सीजन में सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी गिरने का जो भी परिणाम है वो आदमी छींकता है या उसका आवाज़ से, उस खांसी के आवाज़ से बाहर जाता है तो उससे स्प्रेड हो सकता है, अगर उसने पकड़ लिया होगा डिसीज़ ने, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ यहाँ पर चीज़ें करना चाह रहे हैं, जिसमें स्कूलें हम पेरी अर्बन तक के 1 से 8 तक के जो कक्षा है उसको कुछ दिनों के लिए बंद करने जा रहे हैं, और शासकीय और निम शासकीय और प्राइवेट की जो कार्यालय उसमें RT-PCR बंधनकारक होंगे। जिस प्रकार से विधानसभा में हम 2 वैक्सीनेट होने के बावजूद भी हमको RT-PCR कराकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंदर जाने दिया गया, उस प्रकार से बंधन यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग कार्यालय में आते हैं, उनकी भी हमको सुरक्षा करना जरूरी है। 24 घंटा हमारा कर्मचारी काम करता है, चाहे पुलिस हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे हमारे बिजली कंपनियों का हो, ये 24 घंटा काम करता है। ये कर्मचारियों का भी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम उसको भी ध्यान में रखते हुए RT-PCR टेस्ट का काम किए। जहाँ पे बाजार होते हैं बड़े बड़े, वो बाजारों में हम लोग टेस्टिंग के लिए वहाँ अरेंजमेंट करेंगे और वहाँ पर भी रैपिड टेस्ट हम करने की कोशिश करेंगे।